नमस्कार फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चल मेरे घोड़े। फ्रेंड्स, कल कोलकाता 19 मार्च 2021 रेसेस हैं, टोटल 6 रेसेस हैं। सो उससे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, आज दिल्ली की रेसेस थी, मिली जुली सरकार रही, अपनी 50% टिप्स अप टू डेट गई। पहली दो रेसें नहीं आई, कुछ नंबर अच्छे निकाले हुए थे लेकिन फिट गए। थर्ड रेस पे सारा कवरिंग अच्छा आया, हमने दो नंबर निकाले थे थर्ड रेस के लिए, 6 और 2, 6 विन 2 प्लेस के लिए था। सो फ्रेंड्स, 6 विन हुआ, अच्छे ऑड्स थे उसके भी, और 2 प्लेस आया वो भी काफ़ी अच्छे ऑड्स में, 3+ ऑड्स थे उसके भी। उसके बाद फ्रेंड्स अगली रेस में 2 प्लेस बोली थी, 2 प्लेस आई। उसके अगली रेस में 3 नंबर बोला था और 4 बोला था, 3 नंबर अच्छा प्लेस आया, और लास्ट रेस पर पिट गई। सो फ्रेंड्स अच्छी मिली जुली रही, और आशा करता हूँ आज फ्रेंड्स ने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। जिन्होंने पहली 2 रेस हार के तीसरी में अच्छा अगर दोनों पे लगाया होगा, अच्छा प्रॉफिट करके रुक गए होंगे तो और बेटर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, सेम इसी पॉलिसी के साथ, कम खेलो जीतो ज़्यादा। अब चलते हैं हम कल कलकत्ता की रेसेस के लिए। इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं नंबर सारी रेसेस के दूंगा, उसके बाद जो मेन 2-3 रेसें करने वाली हैं उसके लिए भी बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, कल कलकत्ता की पहली रेस 1600 मीटर की 2:30 बजे से। इसमें फ्रेंड्स 13 घोड़े हैं, और इसमें जो मेरे को अच्छा लगा है वो है नंबर 1 स्कारलेट विच जॉकी आकाश राजपूत, एंड जो दूसरा घोड़ा अच्छा लगा है वो है नंबर 5 राइट मूव जॉकी निखिल नायडू। तो दोस्तों, रेस नंबर 1 2 घोड़े अच्छे हैं, 1 और 5 प्लेस मिल रही हो तो दोनों की प्लेस करिएगा, अदरवाइज ऑड के अनुसार वहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड रेस 3 बजे से है 1400 मीटर की। इस रेस में पता नहीं क्यों लग रहा है कि यही तीनों नंबर आने चाहिए, 3 नंबर बताता हूँ आपको। इसमें दोस्तों जो सबसे पहले मुझे पसंद आ रहा है, नंबर 7 एस्ट्रेला स्टार जॉकी नीरज रावल, दूसरा जो पसंद आ रहा है वो है नंबर 9 डेयरिंग हार्ट जॉकी हिंदू सिंह, और तीसरा नंबर जो पसंद आ रहा है वो नंबर 11 विस्परिंग ग्रास जॉकी आकाश राजपूत। सो दोस्तों, सेकंड रेस के लिए 7, 9, 11 आप इनकी ऑड्स देख के खेलिएगा। 7 इसमें ज़्यादा अच्छा है, विन प्लेस के लिए मुझे 7 ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें, 9 और 11 प्लेस के लिए अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद थर्ड रेस पे चलते हैं दोस्तों। थर्ड रेस 5:30 बजे से 1400 मीटर की, इसमें 8 घोड़े हैं। इसमें जो मेरी चॉइस है वो है नंबर 1 बराक जॉकी नीरज रावल, उसके बाद जो सेकंड चॉइस है इसमें फ्रेंड्स वो है नंबर 3 सिल्वर ब्रेसलेट जॉकी हिंदू सिंह। सो 2 घोड़े हैं फॉर रेस नंबर 3, 4 और 3, थोड़ी सी नज़र 2 नंबर पे भी रखिएगा रेस नंबर 3 पे। उसके बाद दोस्तों फोर्थ रेस जो कि है 4 बजे से 1400 मीटर की, इसमें 5 घोड़े हैं। इसमें जो मुझे विन के लिए पसंद आ रहा है वो है नंबर 1 डेल्फिनी जॉकी सी एस जोधा, एंड जो दूसरा नंबर पसंद आ रहा है मुझे इसमें वो है नंबर 3 एप्यूरेट्स जॉकी निखिल नायडू फॉर प्लेस। उसके बाद दोस्तों चलते हैं फिफ्थ रेस में। फिफ्थ रेस जो कि कल है 4:30 बजे से 1100 मीटर की,
इसमें 10 घोड़े हैं। इसमें जो दोस्तों मुझे पसंद आ रहा है वो है नंबर 8 अभय गामा जॉकी हिंदू सिंह फॉर विन प्लेस। एंड सेकंड हॉर्स जो मुझे इसमें पसंद आ रहा है वो है नंबर 1 एमरस वाइट जॉकी हसीब आलम। सो फ्रेंड्स, रेस नंबर 5, हॉर्स नंबर 8 एंड 1। उसके बाद चलते हैं कल की लास्ट रेस, 6th रेस। इस ये फ्रेंड्स है 5 बजे से 1200 मीटर की। ये दोस्तों इसमें जो 2 मुझे नंबर पसंद आ रहे हैं वो है एक नंबर 5 डिस्पैचेटो जॉकी हिंदू सिंह, एंड सेकंड नंबर जो पसंद आ रहा है नंबर 8 स्पिरिचुअल जॉकी निखिल नायडू। सो दोस्तों ये थी मेरी कल की कलकत्ता के लिए सिलेक्शंस। अब मैं आपको बताता हूँ जो कल मेन 2-3 रेसेस अगर करनी हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स जो मेन करने के लिए है कल रेस नंबर टू पे हॉर्स नंबर 7 जिनको 3 बेट खेलनी है उनके लिए बता रहा हूँ। रेस नंबर 2 पे हॉर्स नंबर 7 एस्ट्रेला स्टार जॉकी नीरज रावल, अच्छा घोड़ा है, विन प्लेस कीजिए। इसकी प्लेस तो आनी ही चाहिए और विन भी हो सकता है। सो रेस नंबर 2 हॉर्स नंबर 7। सेकंड जो कल बेस्ट रेस है वो है रेस नंबर 3 जिसमें कि 4 नंबर घोड़ा बराक जॉकी नीरज रावल, अच्छा घोड़ा है, बेस्ट घोड़ा है, आप इसको विन प्लेस करें। और इसी रेस पे नंबर 3 आप इसको प्लेस करें सिल्वर ब्रेसलेट हिंदू सिंह। 2 रेसें हो गई। थर्ड रेस जो कल की बेस्ट करने के लिए है वो है रेस नंबर 4। इसमें दोस्तों हॉर्स नंबर 1 डेल्फिनी जॉकी CS जोधा, इसको आप विन प्लेस कीजिए। प्लेस साथ में जरूर सपोर्ट रखिएगा क्योंकि रेसेस का आजकल पता नहीं है, नंबर बहुत मेहनत से बहुत ईमानदारी से आपके लिए निकालते हैं लेकिन रेसेस का पता नहीं होता है, इसीलिए प्लेस का सपोर्ट प्लीज़ रखिए साथ में। सो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, आशा करता हूँ अच्छा होगा। प्लीज़ अपनी सोच समझ से अपने विवेक से खेलें, थोड़ा खेलें ज़्यादा कमाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।